हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमीषा केक एंड कुकिंग। आज हम क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाना सीखेंगे। बिना रम, बिना वाइन, बिना अल्कोहल के गैस पर बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। बोल में हम 1/3 कप ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। ये ऑरेंज जूस फ्रेश है, घर पर निकाला है। यहाँ आप टिन वाला जूस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें सभी प्लम फ्रूट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून येलो रेजिन, 3 टेबलस्पून ब्लैक रेजिन, 3 टेबलस्पून मिक्स कलर टूटी फूटी एंड 3 टेबलस्पून चॉप्ड चेरीज ली है। आप यहाँ पे ड्राइड फ्रूट्स डाल सकते हैं, बेरीज, कैनबेरी डाल सकते हैं। इन सभी फ्रूट्स को हम ऑरेंज जूस में सोक करेंगे। आप यहाँ पर फ्रूट्स को ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, 5 आवर्स के लिए भी सोक कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप मिनिमम 2 आवर्स के लिए सोक करें। सभी फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं ओवरनाइट सोक करने वाली हूँ फ्रूट्स को। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसे सोक करना है। अब हम इस केक के लिए कैरेमल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, स्लो फ्लेम पर हमें पैन रखना है। 1/3 कप मैंने यहाँ पे शुगर डाल दी है। इस तरह से हम अच्छे से फैला लेंगे और शुगर को मेल्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस तरह से हमें स्पैचुला से कंटिन्यूस इसे स्टर करना है, मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने जितनी शुगर ली है उतना ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमें कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है। इस तरह से हम इसमें 1/3 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करते समय हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ी देर बाद हमें गैस की फ्लेम स्टार्ट करनी है, स्लो फ्लेम स्टार्ट करनी है और इस तरह से कंटिन्यूस स्टर करना है। इस तरह से बबल्स आने के बाद हमें कुछ देर के लिए स्टर करना है। हमारा कैरेमल वाटर रेडी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। इसे हमें चाशनी नहीं बनानी है, इसे गाढ़ा नहीं बनाना है। इस तरह का मीडियम कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होगा। अब हम बैटर बना लेंगे। बैटर के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। बोल में हम 1/2 कप मिल्क डालेंगे। मिल्क हमें रूम टेम्परेचर पर लेना है। हाफ कप हम शुगर डालेंगे, पीसी हुई चीनी डालेंगे, 6 टेबलस्पून यहाँ पे हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमें फ्रेग्रेंस लेस लेना है।
1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपका एसेंस पुराना है तो थोड़ा ज़्यादा डालना होगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदा यहाँ पे मैंने अच्छे से छलनी से छान लिया है। 1/4 कप हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने दालचीनी पाउडर और सौंठ का पाउडर लिया हुआ है और थोड़ा सा हम जायफल पाउडर भी डाल देंगे। चुटकी भर हमें नमक डालना है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैरेमल वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो ओवरनाइट सभी प्लम फ्रूट्स को सोक किया था वो भी हम ऐड कर लेंगे। ऑरेंज जूस के साथ ही हमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून काजू बादाम लिए हैं, उसे भी हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि बैटर बहुत ही गाढ़ा है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 2 टीस्पून हम लेमन जूस ऐड करेंगे। आप यहाँ पे विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी को अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम एक पतीले को गैस पर स्लो फ्लेम पर प्री हीटेड होने रखेंगे 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पे इस तरह ढक्कन पर हमें कपड़ा बांध लेना है। अब हम बैटर को टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच का टिन लिया हुआ है। इस तरह से हम बैटर को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स और चेरी से डेकोरेट करेंगे। कुछ ब्लैक रेजिन डालेंगे। मिक्स टूटी फूटी डालेंगे। टिन को हम पतीले में ट्रांसफर करेंगे। इसे हम 55 to 60 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आफ्टर 45 मिनट्स के बाद मैंने इस तरह से चेक किया तो सभी डेकोरेशन में हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो सिंक हो गए हैं। तो इस तरह से आप आफ्टर 45 मिनट्स के बाद ही आपको इस तरह खोलकर वापस से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे यहाँ बेकिंग के लिए 1 hour and 15 minutes लगे। अब हम टूथपिक डालकर चेक करेंगे। टूथपिक हमारी
क्लीन है, हमारा प्लम केक रेडी है। इसे हम ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करेंगे। साइड से बटर पेपर को रिमूव करेंगे। आप देख सकते हैं केक का कलर कैरेमल की वजह से इस तरह का केक का कलर और टेक्सचर आया है। हमारा क्रिसमस स्पेशल प्लम केक रेडी है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कट कर दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप देख सकते हैं सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इवनली स्प्रेड हुए हैं, सॉफ्ट बना है हमारा केक। हमारा क्रिसमस प्लम केक रेडी है। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।